वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक फैक्ट्री आया है एंड डेल्टा VLC का सॉफ्टवेयर ISP सॉफ्ट और एक ऑसिलोस्कोप है। सो व्हाट आई एम यूजिंग इज़ मैं फैक्ट्री आया हूँ, मैं XY एक्सिस ऑफ दिस काइंड ऑफ गैंट्री की फीडबैक ले रहा हूँ वोल्टेज में। ओके, सो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कैसे पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज PLC में आ रही थी और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे यूजिंग सम स्केलिंग। मैंने एक डेडिकेटेड स्केलिंग का फॉर्मूला बनाया है, उसके बारे में देखते हैं। बट सबसे पहले देखते हैं कि हमने करेंगे क्या इस वीडियो में। सो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्सफुली मूव करता हूँ और इसकी फीडबैक मुझे PLC में मिलेगी और यहाँ पर वोल्टेज दिखेगी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, सो यू कैन सी दैट 3.3, सो मैक्सिमम इज 10 which is the extreme location, and if you see here at 10 the voltage is getting 10 volts. Or isko main agar kam karta hu proportionally voltage is coming now 5.8 volts. Okay, so this is actually hame 0 to 10 volt ki feedback mil rahi hai. Similarly y se bhi hame aise feedback mil rahi hai aur y mein mera ye green curve hai, now it's 3.8. aur agar aap yahan pe dekho, yahan pe maine scaling block use kiya hua hai, तो ये 5.8 इज़ लाइक अ 58%। सो मेरी यहाँ पे जो फीडबैक आ रही है परसेंटेज में आ रही है, और वाई इज 3.8, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 37 हियर। सो या फॉर एग्जांपल नाउ इट्स 50 एंड दिस इज 58। तो PLC में परसेंटेज में फीडबैक आ रही है और यहाँ पे मैं वोल्टेज देख रहा हूँ। तो ये हो कैसे रहा है और मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊँ, ये मेरा सेटअप है, तो ये मेरा डेल्टा PLC है। अब हो क्या रहा है, डेल्टा PLC RS232 और 485 पे काम कर रहा है, ईथरनेट नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फैक्ट्री आवर कैसे लिंक हुआ डेल्टा PLC से। तो फैक्ट्री आवर डेल्टा PLC से लिंक नहीं हुआ, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ PLC नेक्स्ट। और अगर आपको PLC नेक्स्ट के बारे में जानना है, आई हैव सम वीडियोज ऑन PLC नेक्स्ट, यू कैन वॉच, आई हैव फुल प्ले लिस्ट ऑफ PLC नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्क, इसमें एनालॉग IOs कैसे यूज़ करना है, डिजिटल IO कैसे यूज़ करना है, इन बिल्ट HMI है इसके अंदर, इसके अंदर OPC US सर्वर है और इसमें MQTT और क्लाउड कनेक्शन के लिए Node-RED भी इसके अंदर इंस्टॉल होता है बिकॉज इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसकी फुल प्लेलिस्ट आप लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन वॉच इट फॉर फ्री। सो वो क्या रहा है, फैक्ट्री आया हो PLC नेक्स्ट के साथ वाया OPC UA कनेक्टेड है। सो ये मेरा PLC नेक्स्ट के अंदर प्रोग्रामिंग है और इसमें मैंने OPC UA डिफाइन किया हुआ है OPC UA। तो हो क्या रहा है, ये जो फैक्ट्री आयो की मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट की फीडबैक PLC नेक्स्ट में जा रही है और PLC नेक्स्ट फिर यहाँ से एनालॉग आउटपुट जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन कितनी फीडबैक है। तो PLC नेक्स्ट को एक वेरिएबल मिल रहा है विच इज़ 5.0, उसको मैंने कन्वर्ट किया और एनालॉग आउटपुट जनरेट करी बिकॉज PLC नेक्स्ट में एनालॉग आउटपुट अवेलेबल है। वो एनालॉग आउटपुट जा रहे हैं PLC के एनालॉग इनपुट्स पे, सिंपल आसान। तो एक आउटपुट से मेरी एक्स एक्सिस की फीडबैक जा रही है, दूसरी आउटपुट से वाई एक्सिस की। ऐसे PLC इनपुट्स पे वोल्टेज आ रही है बेस्ड ऑन कितनी फीडबैक है आपके फैक्ट्री ऑयल में। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिया हुआ है, ये क्या है, ये एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है। अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी हॉबी में टू डू सम सर्किट डिज़ाइनिंग, तो आप ये खरीद सकते हो, जॉइट का है एंड इसमें दो चैनल इनपुट है और एक चैनल आउटपुट है। तो ये मैंने दो चैनल, एक एनालॉग चैनल CS0 पे लगाया और CS1 पे लगाया। तो इन सब चीज़ों से हम क्या देख पा रहे हैं, हमें वोल्टेज मिल रही है कि बेस्ड ऑन XY एक्सिस पे कितनी वोल्टेज है और PLC में परसेंटेज में फीडबैक आ रही है। सो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये हमारा X एक्सिस है, दिस इज़ 0, तो उसमें मुझे मिल रहा है 0 वोल्ट, और ये इंक्रीज़ किया, नाउ इट्स 1.679। तो ये X एक्सिस की फीडबैक, और X एक्सिस यहाँ पे देख सकते हो 100, नाउ इट्स 41, 36, एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग 1.9। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी ऐसा है। तो कैसे हमें एक्स वाई एक्सिस की फीडबैक PLC में मिल रही है, ये हमें पता चल रहा है। तो अभी हमें सिर्फ परसेंटेज में मिल रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फॉर्मूले में क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। तो PLC में मैंने एक स्केलिंग का फॉर्मूला बनाया, ये एक फंक्शन है, किसी ने कॉमेंट किया था कि फंक्शंस में बताना PLC एनालॉग इनपुट और आउटपुट्स के बारे में। सो मैंने एक फंक्शन बनाया, वेट मैं देखता हूँ यहाँ पे इसकी विंडो कैसे आएगी। सो स्केलिंग का मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैं इसको पहले ऑफलाइन जाता हूँ।
ये स्केलिंग का एक ब्लॉक है, ऑल्सो लेटर लॉजिक में बना हुआ है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। और ये स्केलिंग कैसे की है इसके लिए एक वीडियो है लर्न पीएलसी इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे, एक वीडियो है जिसमें मैंने स्केलिंग के बारे में बताया हुआ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो उस वीडियो को देखो आपको समझ आ जाएगा स्केलिंग हो कैसे रही है। तो बेसिकली स्केलिंग का मैंने ये फंक्शन बनाया और प्रोग्राम में मैंने इसको कॉल किया। अब प्रोग्राम में कॉल करने के बाद देखो उसमें डालना क्या है, इट्स वेरी सिंपल, मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू, मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू, मिनिमम सोर्स वैल्यू, रॉ सोर्स वैल्यू एंड स्केल्ड वैल्यू। तो हो क्या रहा है, अब इसमें देखो मैक्सिमम डेस्टिनेशन मैंने उसको परसेंटेज में रीड करना है फ्रॉम 0 to 100%, तो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हुई 100, मिनिमम कितनी हुई 0, बिकॉज अगर मैं परसेंटेज में रीड करना चाहूँगा। मैक्सिमम सोर्स कितनी हुई, अब हमें पता कि पीएलसी इनपुट में हम 0 to 2000 में डेसिमल वैल्यू ले रहे थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया। सो 0 हमारी मिनिमम थी, 2000 हमारी मैक्सिमम थी, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कांस्टेंट डालने हैं, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट, और रॉ वैल्यू वो है कि जो एनालॉग इनपुट पे आ रही है, पीएलसी से जो एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट हो रही है डेसिमल में, वो रॉ वैल्यू यहाँ आएगी, और आउटपुट आपको कहाँ चाहिए वो आपको स्केल्ड में डाल दो, तो ये आपकी स्केल्ड वैल्यू हो जाएगी। सो ऐसे ही ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, इसके अंदर जो भी फॉर्मूला चल रहा है वो स्केल्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, और हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल रही है 25%। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आपको वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए, अगर आपको वैल्यू चाहिए सेंटीमीटर में, ये कितना सेंटीमीटर मूव हुआ, हाउ ईजी इज दैट, आपको सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज करने हैं, तो मैं आपको बता दूँ। सो फैक्ट यह होगा कि मैनुअल में दिया गया कि एक्स और वाई एक्सिस कितना रेंज है इन सेंटीमीटर एंड मीटर, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ डालता हूँ, तो मुझे सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वॉज इन परसेंटेज, सो आई गो ऑफलाइन, एंड मैं इसका नया फंक्शन भी ले सकता हूँ और सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, बट एनी वेज लेट्स फर्स्ट लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। तो ये था मेरा एक्स एक्सेस, ओके मैं एक नया फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ स्केल एनालॉग इनपुट एक्स एक्सेस इन परसेंटेज, ओके इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं वाई एक्स, ओके अब हमने क्या करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ नेटवर्क को, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए, लेट मी जस्ट मेक इट मैक्सिमाइज, सो कॉपी एंड पेस्ट, ओके इट्स बेटर डोंट कॉपी पेस्ट, बिकॉज ये फंक्शन हमें कॉल करना है, तो नाउ इट्स फाइन। सो यहाँ पे एक नया नेटवर्क लिया और यहाँ पे स्केलिंग दोबारा कॉल करी, कॉपी पेस्ट मत करना बिकॉज ये एक इंस्टेंस बनाता है, तो स्केलिंग इंस्टेंस टू ऑटोमेटिकली आ गई, ओके क्लिक ओके। नाउ मैक्सिमम डेस्टिनेशन कितनी हुई, मेरा मैक्सिमम रेंज जो कि एक्स एक्सिस का होगा इन सेंटीमीटर, तो ये देखो फैक्ट्री आपके डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस स्ट्रोक इज 2.125 मीटर, विच इज़ द मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ, y एक्सिस इज 1.25, इसको हम सेंटीमीटर में करते हैं, तो मैं x एक्सिस को 212 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके एप्लीकेशन में कुछ और हो सकता है। सो 212 सेंटीमीटर का मैक्सिमम है x एक्सिस, सो मैक्सिमम डेस्टिनेशन हो गया 212, मिनिमम हो गया 0, मैक्सिमम सोर्स कितना है, अब हमारा वोल्टेज क्या था 0 to 2000, तो मैक्सिमम सोर्स हो गया 2000, मिनिमम हो गया 0, रॉ वैल्यू सेम रहेगी D1056, अब आउटपुट मैं ले लेता हूँ D75 फॉर एग्जाम्पल। सो ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट इन सेंटीमीटर्स, सिमिलरली वाई का भी लेते हैं, एक नया ब्लॉक लिया, स्केलिंग कॉल करी, स्केलिंग 3 इज फाइन, और मैक्सिमम डेस्टिनेशन फॉर वाई 125 सेंटीमीटर, ओके सो 125, मिनिमम 0, मैक्सिमम सोर्स 2000, मिनिमम 0, रॉ सोर्स वैल्यू थी हमारी D1057 में, चैनल 2 आ रहा है, चैनल 1 हमारा आ रहा है D1056 पे, आई मीन CH0 फर्स्ट चैनल, CH1 सेकेंड चैनल आ रहा है 1057 पे, यहाँ पे मेरे को y एक्सिस मिल रहा है इन सेंटीमीटर्स,
ओके और इसके आउटपुट ले लेते हैं हम D65 में फॉर एग्जाम्पल. परफेक्ट. नाउ लेट्स डाउनलोड एंड सी इफ इट वर्क्स. और यहाँ से देख सकते हो आपकी चार इंस्टेंस बन चुकी हैं बिकॉज हमने चार बार इस फंक्शन को कॉल किया. सो ये डाउनलोड हो जाएगा और ये हमारा ऑनलाइन है. अभी इसमें मैंने इसको ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं किया बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल एनालॉग इनपुट्स कैसे रीड करने हैं. सो लेट्स सी नाउ रन स्टेट. ओके एंड शॉर्टिंग दैट. ओके नाउ वी हैव एक्स एक्सेस. आई मेक सम मूवमेंट. सो आई मेड 50% 50% मूवमेंट एंड 106 सेंटीमीटर. हाउ मच वाज मैक्सिमम? मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 212. मैंने 212 लिया था तो 50% पे कितना हुआ 106 सेंटीमीटर. तो ये अपने रेफरेंस पोजीशन से 106 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. तो ये हमने स्केलिंग से निकाला. ये मैक्सिमम हो गया 212. ओके आप देख सकते हो स्केलिंग फार्मूला कितना इजी है यूज़ करना. आई मीन इसके अंदर जो बनाया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर एक बार आपको बनाना आ गया आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो. अब वाई एक्सिस पे देखो 0 है 33 और लेट्स टेक 50% अगेन. 50% ऑफ वाई एक्सिस हाउ मच वाज मैक्सिमम 125. सो 62 सेंटीमीटर ये अपने रेफरेंस पोजिशन से दूर है. तो अब यहाँ देखो ये दोनों 50-50% सेंटर में लोकेटेड है x axis and y axis. Okay, and sorry, this is 58. ये हो गया 50. Now this is in the center. Okay, so ये था आज का टॉपिक कि हमें कैसे फैक्ट्री आयो से फीडबैक आ रही है वोल्टेज में एंड बेस्ड ऑन दिस फीडबैक हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में. And also, let me put it here, percentage में and centimeters में कितना centimeter हो रहा है. तो scaling आप देख सकते हो कि हमने scaling में क्या किया, कैसे हम decimal value को voltage में convert कर रहे हैं, percentage में convert कर रहे हैं और centimeters में convert कर रहे हैं. This is all by scaling. So I hope in video से आपको थोड़ा कुछ logic clear हुआ हो कैसे analog input की scaling होती है, inputs को read करते हैं. आपकी real life example में अगर फैक्ट्री आयो नहीं है आपके पास वोल्टेज आ रही होगी इसको डायरेक्टली पीएलसी पे लगाओ. ये जो पीएलसी आपको पीएलसी नेक्स्ट नहीं चाहिए डायरेक्टली पीएलसी के इनपुट पे लगाओ. यहाँ पे ऑसिलोस्कोप भी नहीं चाहिए. एक स्केलिंग एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करो और आपको स्केल वैल्यू यहाँ मिल जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ पीएलसी इनपुट्स, हाउ वी कैन रीड एनालॉग पीएलसी इनपुट्स इन आईएसपी सॉफ्ट यूजिंग डेल्टा DVP-10SX. अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. अब आप बोलोगे मुझे ये स्केलिंग का प्रोग्राम चाहिए, आई नो यू नीड इट, तो मैं इसको अभी कमेंट में एक लिंक बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना और इसको समझ लेना मैंने कैसे स्केलिंग किया होगा इसके अंदर. और बेटर आप स्केलिंग का लेक्चर देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा मैंने फॉर्मूला बनाया कैसे. और ये यूनिवर्सल फार्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स सी व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, टेक केयर, बाय. Thank you.